वेलकम टू मुंबई की जन्मस्थली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए और आप सब की दुआ से अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ऊपर नीचे है। तो आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए खूब सारी दुआएं करें। और आज मैं आई हूँ उतन, और उतन में जो है मेरा ये फिश का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बंदर है और बंदर पर डायरेक्ट जो है कि बोट्स आती है, जैसे आप देख रहे हैं कल फ्राइडे के दिन यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पे कुछ कम बोट्स आई थी और उसकी क्लिप्स मैंने ले लिए, जो कि इसी वीडियो में वो क्लिप्स आपको मैं आगे दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि कल हम आए थे, लेकिन आप जब यहाँ पे आते हो ना, यहाँ पे फ्रेश फिशेज आती है, लेकिन आपको वेट करना होता है बोट के आने के लिए, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोग मेरे साथ बने रहते हो और मेरी वीडियो को लाइक करते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि इतनी मैं मेहनत करती हूँ, देखो मैं कल भी आई थी और मैं आज फिर आई हूँ सैटरडे के दिन, और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छी सुरमे की बोट्स आई है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, और जो है कि आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है ये, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहें। क्या चीज़? मिक्स मिक्स दस रुपये मिक्स है। बाहर वो सब अभी फ्रेश फ्रेश, जैसे आप देख रहे हैं अभी बोट आई हुई है, सारी फ्रेश आती है। मैं स्क्रीन पे टाइमिंग मेंशन कर दूंगी कि कितने बजे आई है बोट। ये देखो, आपने उठा भी लिया, कोई नहीं कर पाता ऐसे तो। ये इसको कौन सी मच्छी बोलेंगे? ये जिंदा है। कौन सा फिश है? तो ये लैंडमार्क है डैनिश, ये एक केक शॉप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्शा स्टैंड भी है एंड बस स्टॉप भी है, तो आपको यहाँ पे उतरना है एंड यहाँ से आपको एक राइट मिलेगा एंड एक लेफ्ट मिलेगा, तो आपको राइट जाना, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं आपको राइट जाना है। जैसे ही आप स्ट्रेट जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं AR मोबाइल एंड KGN एक होटल है, बीच में आपको दरगाह भी मिलेगी, बस आपको वहीं से लेफ्ट लेना है और ये लेन आएगी लेफ्ट से। अब हम जो है यही अपनी गाड़ी जो है पार्क करेंगे कहीं, और अंदर आपको गांव दिखाते हैं। यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है। तो ये यही मार्केट में जाता है, उत्तन की मार्केट में देते हैं कि कहीं और देते हैं? बाइंडर में। अच्छा, ये मतलब कितने की हो जाती है झींगे की? ऐसा रेट होगा आज का, क्या रेट है? ये जैसे ये टोकरी बन गई, हाँ वो बड़े झींगे की 2000 की। ये पूरा आप कितने में लेते हैं मिक्स माल? ये पूरा मिक्स कितने का लेते हैं आप? आपको कितने पड़ता है? आपको लेना पड़ता होगा ना? हाँ जाली डालते हैं। हाँ, नहीं वो खुद ही निकाल के लेकर आते हैं। आप लोग खुद ही निकालते हो? अच्छा, यहीं पर है क्या इसका? ये यहीं निकल जाता है, मतलब यहाँ बोर्ड से थोड़ा बीच में जाते हैं, फिर जाली डाल के वो निकाल कर लेकर आते हैं, मुझे पता है। ये देखो ये ऑफ, ये इसको कौन सी मच्छी बोलेंगे? ये तो ये जिंदा है, अभी ये चल रही है। कालेटा कैसी चल रही है? तो वो लाल ब्राउन कर रही है। तो वो लाल नाम है उसका, कालेटा। और इधर देखो प्रॉन्स से भी बड़े बड़े, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये पूरा ये मिक्स निकाल
निकालते हैं जाल में और फिर इसको यहाँ पे अलग अलग करके फिर ये मार्केट्स में जाते हैं। बाइंडर मार्केट में जाता है यहाँ से। यहाँ पे सब ड्राई लगी हुई है। ये एक टोकरी आपकी कितने की बन जाती होगी? हाँ, ये एक टोकरी कितने की बन जाती? 2,500 की। और यहाँ पे वजन से क्या मिल रहा है यहाँ पे? क्या चीज़? मिक्स मिक्स। अच्छा, ये 10 रुपये मिक्स है। ये देखो ये सब बैठे। ये आपको मिक्स के अंदर आया क्या मच्छी? वो बड़ा वाला कौन सी है? वो पापलेट है। वो कापरी? अच्छा, ये मिक्स के अंदर ही आई? ये सब यहाँ पे अभी मिक्स लेकर सब अलग कर रहे हैं। यहाँ पे वेट पे से मिलता है 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऐसे मिक्स मिलता है आपको। उसमें प्रॉन्स मंदिली, ये देखो इनके पास क्या कितना बड़ा ऑक्टोपस भी खाना से वीडियो कारू लग रहे। देखो ये कौन सी है? दिखाओ दिखाओ मौसी। अच्छा अच्छा, ये कौन सी है? नाव का है? ये तो नाव का है मौसी। अरे पावर है लांचा। क्या प्राइस है उसकी? किसी कोई ऐसा कह रहे हैं 5,000 इसका। वो इसका ये ऊपर के निकाल देते क्या छीटा? 5,000 वो अभी ऐसे ही बोल रहे। कम हो जाएगा ना? कम हो जाएगा ना? कम हो जाएगा। ये क्वालिटी देखो सब जिंदी आती है। ये सब मिक्स में आएगी 10 रुपया केजी। ये ऐसे ये दिख रहा है आपको, ऐसे मिक्स रहता है फिर उसमें से अलग करके। आज सबसे ज्यादा ये हमारे को नई और यूनिक फिश देखने मिली है कालेटा। ये देखिए अंकल के पास ऐसे मिक्स है। ये कैसे किलो है अंकल? कैसा केजी? खरीदी कंपनी का। अच्छा अच्छा अंकल, कौन सी कंपनी? कोलाबा। वाशी भी जाता है? वाशी में कहाँ? वाशी इसका पाउडर बनता है, इसका तेल लगता है। हाँ, अच्छा इसकी पाउडर बनती है। हाँ। काय की पाउडर जो ये फेस पे लगाते? नहीं, मेडिसिन के लिए कुछ यूज होता होगा। अच्छा, तेल निकलता है, वो महंगा जाता है। ये वाला फिश का ऑयल निकलता है। अच्छा, क्योंकि ये सब बारीक मछली है। अच्छा चलो, ये भी एक यूजफुल हम लोगों को पता चला कि ये जो फिशेस है इनके पाउडर और तेल बनाने में यूज होती है ये फिशेस। तो ये सारे मिक्स है। हाँ। हेलो आंटी, मंदिली है। ये एक टोपरी कितने की जाएगी? मुझे ये वाली 500 की जाता है। अच्छा, और वो वाली 2,000। थैंक यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बोट आ चुकी है। जैसे हमने बोला हम वहाँ पे वेट कर रहे थे, बट ये दूसरी साइड आई है। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिप आई है। ये यहाँ पे सब डाल रहे हैं, अभी सब जाएगा। ये कितने किलो की होएगी? 20? ये 20 से 15 से 20 किलो की फिश है। और ये तो उसको भी यहाँ रखी है, उधर भी एक कितनी रखी है।
फ्लावर्स कितना किलो होगी? ये देखिए, आप ट्राई करिए, आपसे उठती है तो पकड़े। इधर इधर इधर, थैंक यू। सब मिक्स फिश है ये। थैंक यू पापलेट है ना ये, देखिए कितने बड़े प्रॉन्स। ओरिजिनल पापलेट, ओरिजिनल देखो कितनी चमक रही है, ओरिजिनल की पहचान ही है। सिल्वर, हाँ ब्लू सिंगाड़ा। तो भाई ये सारे आपके ही है, ये सब आपने ले लिए माल? आपने क्या क्या लिए? गोल्डन क्या, ये देखो दिखाना, ये देखो फ्रेश, ये आप अपने घर के लिए लेके जा रहे हो? अच्छा, ये ब्लैक वाला सिंगाड़ा, इसमें बड़ा साइज भी आता है 15 किलो। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ब्लू सिंगाड़ा और एक ये ब्लैक सिंगाड़ा। सबसे टेस्टी कौन सा होता है? दोनों टेस्टी होते हैं। और ये कहाँ से ज्यादा आते हैं? ये बंदर से निकलता है, यही बंदर से ही आता है। अच्छा ठीक है, गोल्डन डोमा सब में बेस्ट होता है फ्राई के लिए। फ्राई के लिए ये सबसे बेस्ट होता है, सब में अच्छा बेस्ट फ्राई के लिए। ये ज्यादा होटल वाले लोग भी लेते होंगे ये। अभी आप कहाँ लेके जाएंगे? गोल्डन डोमा, दोनों का टेस्ट सेम होता है। देखो मच्छी पहचानना भी एक बहुत बड़ा काम है, जैसे कि ये भाई फिश का करते हैं तो इनको पता है ये गोल्डन है, ये सिल्वर। अच्छा, तो ये कैसे पता चल रहा है आपको ये ज्यादा गोल्ड दिख रहा है इसके लिए? नहीं, वो अलग नजर रही है। अच्छा ये ब्रीड अलग है, बना लो बिरयानी भी बना लो। कौन सा फिश है ये? सकला। इसका कबाब भी बनते है, बिरयानी भी बनती है और फ्राई भी करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कैसे होता है ना कि हम एक दो फिशेस ही मार्केट जाकर लेकर आते हैं, लेकिन हमको भी नॉलेज नहीं होती कि और भी फिशेस है जो और टेस्टी होती है। तो इससे कैसे हमें पता चलता है कि और भी फिशेस हमें ट्राई करनी चाहिए और उसका भी टेस्ट हमें पता चलता है कि कैसा होगा? भाई आपके अंदाजे से इसका वेट कितना होगा? 6 किलो। 6 किलो इसका वजन है, 6 kg। तो ये लोग कितने में देते होंगे यहाँ से? गवर्नमेंट की मंडी में जाता है, वहाँ से भाव का। अच्छा, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट मंडी में जाता है। ओके, गोवा की सबसे बेस्ट फिश गोवा, हाँ लेप, ये फ्राई के लिए पतली भले से मगर इसका टेस्ट उससे भी अच्छा है। अच्छा, ये डायरेक्ट कटिंग होके फ्राई होती है या इसको कुछ स्किन वगैरह उतारते हैं? इधर से इसका खाली चिक्कल उतारते हैं। अच्छा, ये उतारते हैं बस, ये ऊपर का इसका लेयर निकल जाता है, स्किन है, इसको चिक्कल बोलते हैं। ये चिक्कल निकाल के स्किन यहाँ से पकड़ने का और खींच देने का, हाँ वो पूरा साफ हो जाता है, एक नंबर बैग। जैसे भाई आप लाल मासा रेड मासा प्राइजेस, इसके प्राइस है 150 रुपये में। जैसे आपको 5-6 आ जाएगी, 50 पर केजी 150 रुपये। रानी फिश, रानी एक नंबर, केरला में फ्राई करके, केरला की फेमस है ये।
मेजर दिखती है 250 केजी होलसेल में डेढ़। ये कौन सी है? चोर बोमिल। अच्छा, कितनी बड़ी है देखो। ये हमने पनवेल की वीडियो में देखा था, अगर आपने पनवेल का वीडियो नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। नंबर होती है फ्राई की। अच्छा, ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ना। ये देखो, ऐसे मार्केट। ये मम्मी है और ये बेबी है। ये भी हमने कभी ट्राई नहीं किया, अगर आप लोगों ने किया तो कमेंट में बताना इसका टेस्ट कैसा होता है। मूसी, छोटी शार्क मूसी भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ मिलती है? ये यहीं मिलती है। ये भी यहीं मिलती। नहीं नहीं, मतलब अगर इसे पकड़ने जाओ तो। या केरला की है या कोकण की है, ये कहाँ की स्पेशलिटी है? केरला की है। चेन्नई में मिलती है। क्या होता है तेल? कुछ बता, जो बंदे जिम करते हैं उसको ज्यादा खाते हैं। अच्छा, उसी को। अच्छा, बाकी सारी मच्छी भी है, मगर थोड़ा सा प्रोटीन के लिए रहता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने मूसी के बारे में। तो जो जिम करने वाले हैं, जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो ये मूसी मच्छी को आप लोग जरूर ट्राई करना और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इससे क्या फायदा। ग्रीन मसाले में, ग्रीन मसाला बोलते हरा, हरी मिर्ची, धनिया, कोथमीर, वो कूट के, और लहसुन भी आएगा। हाँ, लहसुन भी, रेड, थोड़ी सी हल्की सी रेड मिर्च डाल देना। हाँ, जब इसको फ्राई करना, थोड़ा सा ऑयल रखना है और फिर फ्राई करना है। तो आप लोग को साथ साथ रेसिपी भी मिल गई है। आप सबको ये आज मेरी उत्तर की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जैसे कि ये भाई हमको मिले थे, इन्होंने जो है कि मच्छी की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और उनके प्राइजेस भी आपको बताए हैं। और मेरा इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग आएगा फिश से रिलेटेड, बिजनेस आएगा के। तो आपको बिजनेस, जिसको भी बिजनेस करना है, तो इसका मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें दे दूंगी और उसके जो डिटेल्स है, आपको किस तरह बिजनेस करना है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, जो फिश के बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो ये ज़रूर आपको गाइड करेंगे। तो इनकी एक मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बने रहें। और मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो, आने वाली जितनी भी वीडियो है, वो सारी मिलेगी। और इसी के साथ आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। If you like this video, do like, share, comment and subscribe. Till then, stay safe. Allah Hafiz.